हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे बच्चों। सो वी ब्रिंग एपिसोड नंबर 2 ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिर्फ 1% जनता को पूरी क्लैरिटी के साथ पता है। मेजॉरिटी बच्चे में बहुत कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम्स में इनके 100% क्वेश्चन आते हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपको सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर अंदर समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी, इसको हम डिटेल में करते हैं। आर यू विद मी? चल, इफ यू अंडरस्टूड इट तो कॉमेंट सेक्शन पे यस मैम लिखना, और ये लिखना कि अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए, बिल्कुल मत भूलिएगा। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ईसीजी, इस सीन के साथ तो आप बहुत फेमिलियर होंगे। मैंने एनसीईआरटी के डायग्राम्स उठाए हैं, एनसीईआरटी की फोटोज उठाई हैं और आउट ऑफ एनसीईआरटी की चीजें उठाई है, सो दैट होलिस्टिकली हमें सब समझ में आ जाए। तो एक एनसीईआरटी कह रही है दैट यू मस्ट बी वेरी फेमिलियर ऑफ अ सिचुएशन इन हॉस्पिटल, खुदा ना खासा ही कभी किसी के साथ हो जहां पिप 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 करते हुए मशीन बंद हो जाती है, एंड दैट सिग्निफाइज दैट द पर्सन हैज गॉन इनटू कार्डियक अरेस्ट, दैट मींस द हार्ट हैज स्टॉप्ड बीटिंग। आपको पता है दैट द हार्ट हैज एक्साइटेबल टिश्यू, दैट मींस द हार्ट हैज द एबिलिटी टू गेट एक्साइटेड ऑन इट्स ओन, उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो तब हमें दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मशीन को ग्राफ कहते हैं, विच इज यूज टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। द ह्यूमन हार्ट इज ऑटोरिदमिक, द ह्यूमन हार्ट हैज द एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन इंपल्स, राइट? देयर इज द एसए नोड, जिसको हम पेसमेकर भी कहते हैं, जो आपकी सुपीरियर वीना कीवा, जहां पे राइट एट्रियम को एंटर करती है, वहीं पर होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच द ह्यूमन हार्ट हैज द एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन इंपल्स। टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी एज शोन इन द डायग्राम, अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ मशीन जिसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती है, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल, दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ अ हार्ट, राइट? मल्टीपल लीड्स जो है वो चेस्ट पर भी अटैच हो सकते हैं। ईच पीक, हर बार जब वो डिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाएगी, इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर फ्रॉम पी क्यू आर एस टी पी टू टी, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो क्या है स्पेसिफिक एक्टिविटी, चलिए देखते हैं। तो एक बार रिपीट करवा दूं, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 फॉर ईच रिस्ट एंड टू द एंकल। इससे पहले आई टॉक अबाउट द लीड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू अबाउट द ऑटोरिदमिसिटी और अबाउट द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। दिस इज कॉल्ड द एसए नोड, जिसका फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड, विच इज नथिंग बट द पेसमेकर। फ्रॉम हियर द सिग्नल्स गो टू द एवी नोड, जिसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, राइट? सो ये पेसमेकर है, उसके बाद सिग्नल जाएगा एवी नोड। एवी नोड से सिग्नल वेंट्रिकुलर सेप्टम में 2 हिस्सों में बट जाएगा, राइट बंडल ऑफ हिस्ट टुवर्ड्स द राइट साइड, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड फाइनली जाएगा पुरकिंजे फाइबर्स में। पुरकिंजे फाइबर्स जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे, सो दैट द एंटायर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एज वन यूनिट। तो आई विल रीडू द एंटायर जेनरेशन अबिलिटी ऑफ द हार्ट, जो इम्पल्स जेनरेट कर पाए। सबसे पहले एसए नोड, एसए नोड के बाद एवी नोड, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस्ट जो राइट और लेफ्ट होते हैं, और फिर पुरकिंजे फाइबर्स। तो जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको डीपोलराइजेशन कहा जाता है, राइट? जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया इन रिस्पॉन्स टू एसए नोड, एसए नोड से जैसे ही सिग्नल उठेगा, सिग्नल निकलेगा, देयर इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, जो एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन, जिसको मैं पी वेव भी कहती हूँ, वैसा दिखाई देगा। ये पी और आर के बीच की जो इंटरवल होती है उसे कहा जाता है पी आर इंटरवल। अगर डिले ऑफ एवी नोड होता है यहां पर, सो दैट जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल्स जो है उनको फिल होने का टाइम मिल जाए। देन वी कम टू द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसमें एनसीईआरटी में भी लाइंस मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, राइट? जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मेन पंपिंग कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता है राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो पल्मोनरी आर्टरी विल टेक द ब्लड टू द लंग्स, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, द ब्लड विल बी टेकन फ्रॉम द एओर्टा टू द एंटायर बॉडी। एस और टी का जो सेगमेंट होता है उसको एस टी सेगमेंट कहते हैं। वेंट्रिकल जो है वो रीपोलराइज होना शुरू होंगी, कॉन्ट्रैक्शन हुई डीपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन हुई रीपोलराइजेशन, सो दैट दे कैन बी फिल्ड, एंड टी वेव इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अगर यहां बिगिन हो रहे हैं तो टी वेव में कंप्लीटली रिलैक्स कर रहे हैं। तो पी क्यू आर एस टी, पी इज डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पी आर इंटरवल इज डिले ऑफ एवी नोड टू अलाउ फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, क्योंकि अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा द ब्लड नीड्स टू गो इनटू द वेंट्रिकल्स। QRS complex is contraction or depolarization of the ventricles. The right ventricle will send the blood to the pulmonary artery. The left ventricle will send the blood to the aorta. The T wave is ventricular repolarization, or S or T ke beech mein it is beginning of the ventricular depolarization. तो P wave excitation की या depolarization है जो contraction of both the atria कराती है। QRS complex depolarization or contraction of the ventricles करवाता है। T
टी वेव वेंट्रिकल्स को वापस कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स कराएगी, विच इज रेफर टू एज रीपोलराइजेशन। टी वेव के बाद सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन बंद हो गई। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एक टाइम पीरियड में कितने हैं उनसे हम हार्ट बीट या रेट ऑफ एन इंडिविजुअल पता कर सकते हैं, क्योंकि क्यू आर एस इज नथिंग बट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, विच इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो बॉडी में ब्लड जाएगा, तभी तो हार्ट रेट हमें पता चलेगी। और अगर इफ देयर इज एनी चेंज इन दिस राइट, वी विल कम टू नो इफ देयर इज एनी पॉसिबल एबनॉर्मैलिटी और डिजीज ऑफ द हार्ट। तो एक बार रिकॉर्ड दोबारा कर लेते हैं राइट। ये आपको दिख रहा है पी वेव, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है राइट, एट्रियल सिस्टोल राइट, एट्रिया जो है उसमें ब्लड आ रहा है, एट्रिया में ब्लड आएगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो आपका एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा। क्यूआरएस आपको नजर आएगा, क्यूआरएस तब होगा जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, और वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करेंगे, एस और टी के बीच में वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स करना शुरू करेंगे, टी में वेंट्रिकल्स जो है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स कर चुके हैं। So I hope with this you've been able to understand every single thing. That's all from my side. Take care. Bye bye. And don't forget to become a part of We Biotronic for many more such videos. Aapko pata hai 21, 22 and 23 ke liye roz hum 3 videos every single day bana rahe hain, many shots and many other things. Take care. Become a part of We Biotronic. Bye.